गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस बीच गोलियां भी चली, इसमें योगेंद्र नाम का एक व्यक्ति घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक इलाके में एक कोचिंग सेंटर चलता है, उस कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लड़के एकत्रित होते हैं और उनके बीच इलाके में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें बाइक सवार युवकों को तेजी से भगाते हुए मारपीट की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद से गोलीबारी हुई जिसमें योगेंद्र घायल हुआ। दुकान है किराने की, मैं किराने की दुकान पे बैठा हुआ था, कस्टमर मेरे पास थे और यहाँ पर कम से कम 50-60 लड़के दोनों गुटों में मना के आए थे और कम से कम 7-8 कट्टे उन लोगों के पास थे, अलग अलग जगह तमंचे जो देसी तमंचे होते हैं और आपस में पूरी सड़क पे तमंचे ऐसे लहरा के चले हैं, भागे एक दूसरे के पीछे। तो फायर वगैरह भी किया है जी? फायर भी किया है? फायर भी किया है, कम से कम 4-5 फायर हुई है वहाँ पर लड़कों। तो किसी का गोली लगी है? गोली लगी नहीं है, वो एक ने तो फायर मतलब किसी ने हवा में मारी है, किसी ने सड़क में मारी है, कोई हट गया। नवीन राणा से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका 3 दिन पहले सुजल नाम के एक व्यक्ति से मारपीट और विवाद हो गया था जिसकी मोदीनगर पुलिस में कोई सूचना नहीं दी गई थी। और आज जब वो तिबड़ा रोड के पास खड़ा हुआ था तो सुजल और उसके साथी वहां पर आए जिसमें से उसका कहना है कि शिवम नाम के एक व्यक्ति ने गोली चला दी। घटना का संज्ञान ले लिया गया है, वहां की सीसीटीवी फुटेज दिखाए जा रहे हैं और जितने भी संबंधित इसमें व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं और उनकी आगे की वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी।